कलर्स पर फिर से शुरू हुआ आनंदी का सफर, बालिका वधू की शानदार वापसी, कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन दिनों लॉकडाउन में पुराने चर्चित टीवी शोज को फिर से प्रसारित करने का चलन चल रहा है। इसी चलन को ध्यान में रखते हुए मोस्ट पॉपुलर सीरियल बालिका वधू को एक बार फिर से टीवी पर शुरू किया गया है। बालिका वधू एक इंडियन हिंदी सीरियल है जिसका टेलीकास्ट कलर्स पर 21 जुलाई 2008 से 31 जुलाई 2016 तक हुआ था। बालिका वधू राजस्थान के एक छोटे से गांव की कहानी है जो बाल विवाह की कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करती है। गौरतलब है कि बालिका वधू टीवी के सबसे लंबे चलने वाले शोज में से एक है। इसके 2245 एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए थे। शो का हर एपिसोड काफी पसंद किया गया था। इसकी कहानी के लीड रोल में अविका गौर और अविनाश मुखर्जी शामिल थे। उन्होंने आनंदी और जगदीश के बचपन का रोल प्ले किया था। इस सीरियल में जग्या और आनंदी की कहानी ने हर किसी के दिल को छू लिया था। बाल विवाह की पृष्ठभूमि पर आधारित शो की कहानी राजस्थान की परंपराओं को भी दर्शाती है। सीरियल में आनंदी के पिता का रोल निभाने वाले भैरो यानी अनूप सोनी ने भी ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी। अनूप सोनी ने ट्विटर पर लिखा, 13 अप्रैल से एक बार फिर कलर्स चैनल पर जग्या और आनंदी आ रहे हैं। बालिका वधू सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे टेलीकास्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, सीरियल में आनंदी का लीड रोल निभाने वाली अविका गौर ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर करते हुए इसे टीवी पर दोबारा शुरू होने की जानकारी साझा की है। इस वीडियो में बालिका वधू के टाइटल ट्रैक छोटी सी उम्र में को देखा जा सकता है जो कि एक राजस्थानी लोकगीत है। अविका ने इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा, बालिका वधू को एक बार फिर से प्रसारित किया जा रहा है, मैं बहुत अभिभूत हूँ। इसके साथ ही उन्होंने अपने सभी पूर्व सह कलाकारों को धन्यवाद भी दिया। बालिका वधू की वापसी से दर्शक काफी उत्साहित हैं। हालांकि इस शो में आनंदी के युवावस्था का किरदार निभाने वाली प्रत्युषा बैनर्जी अब इस दुनिया में नहीं है। प्रत्युषा की मौत 2016 में ही हो गई थी। रूपाली जायसवाल की रिपोर्ट, E24।